नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। प्रदेश के साथ ही राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमण आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, मगर उतने ही लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हो रहे हैं, जो राहत भरी बात है। पिछले एक पखवाड़े में कोरोना संक्रमितों की मौतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं, जो लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। यही नहीं, एक अनुमान के मुताबिक जिले भर में प्रतिदिन कई मौतें हो रही हैं, मगर चिकित्सा विभाग द्वारा कई मौतों के आंकड़े बताए सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। 10 मई को चिकित्सा विभाग द्वारा नाथद्वारा में 65 वर्षीय महिला व कांकरोली में 78 वर्षीय वृद्ध की मौत बताई गई, जबकि इसके अलावा राजसमंद शहर देलवाड़ा में भी कोरोना से 2 मौतें हुई, जिनका कोविड गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार भी चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया। इसके बावजूद चिकित्सा विभाग द्वारा यह आंकड़ा छुपाया गया। प्रतिदिन में आज दिन भर में 435 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 388 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो गए। अब 3018 एक्टिव केस हैं। जिले के ब्लॉकवार पॉजिटिव आए आंकड़ों की बात करें तो आमेट ब्लॉक में 60 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह भीम में 13, देवगढ़ में 41, कुंभलगढ़ में 27, खमनौर में 82, रेलबगड़ा में 40, राजसमंद ब्लॉक ग्रामीण क्षेत्र में 82, नाथद्वारा क्षेत्र में 11 और राजसमंद शहरी क्षेत्र में 79 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आमजन को सतर्क व सावधान रहने की जरूरत है। देलवाड़ा कस्बे में कोरोना से एक 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। बाद में देलवाड़ा थाना प्रभारी उदयलाल व सरपंच मांगीलाल कटारिया के निर्देशन में चिकित्सा टीम ने शव को पीपीई किट में लपेटकर शमशान पहुंचाया गया, जहां कोरोना गाइडलाइन से शव का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान चिकित्सा कर्मी सहित नजदीकी परिजन भी दूर खड़े रहे। इस दौरान उप सरपंच प्रदीप पालीवाल, वार्ड पंच अर्पित राज सोलंकी, पिंकेश कुमार, मुकेश पवार आदि मौजूद थे। राजसमंद जिला कारागृह में 55 की क्षमता के मुकाबले 85 बंदियों को रखा हुआ है, जिसमें भी 23 बंदी कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में अन्य बंदियों को भी संक्रमित होने का खतरा है। यह खुलासा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनीष वैष्णव के निरीक्षण में हुआ। हालांकि जो संक्रमित पाए गए हैं उन्हें अलग से आइसोलेट कर रखा है और डॉक्टर दीपक शर्मा द्वारा उनका नियमित उपचार किया जा रहा है। कुंभलगढ़ के बनोकड़ा गांव में लॉकडाउन के प्रतिबंध के बावजूद शादी में सामूहिक भोज में 300 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित करने पर कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी परशाराम टांक ने दबिश दी। पुलिस व प्रशासन की टीम के पहुंचने पर घराती और बाराती इधर उधर भाग खड़े हुए। सामूहिक भोज भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रखा गया, जिसे गंभीरता से लेते हुए SDM ने स्कूल के प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस दिया है। मौके पर 40 कारें और 2 बसें भी मौके पर खड़ी मिली। दुल्हन के पिता मोहनलाल जोशी के खिलाफ 1,00,000 रुपए के जुर्माने का चालान बनाया गया है। खमनौर थाना क्षेत्र के हल्दीघाटी के पास सड़क किनारे पैंथर ने हमला कर एक गाय को पकड़ लिया, मगर तभी एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए पत्थर फेंक कर बचाने का प्रयास किया। दिन दहाड़े गाय पर हमला करने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार उदयपुर हल्दीघाटी सड़क मार्ग पर एक पैंथर ने गाय को गले से पकड़ लिया, तभी मोलेला के उदावतों की भागल निवासी देवी सिंह पत्थर फेंकते हुए जोर जोर से चीख रहा था। यह देखकर एक पिकअप चालक ने पिकअप को पास में से ले गया, जिससे गाय को छोड़कर पैंथर जंगल में भाग गया। एक युवक की सूझबूझ से पैंथर के चंगुल से गाय को मुक्त करा दिया गया। यह घटना 2-3 दिन पुरानी बताई जा रही है, मगर पैंथर के शिकार का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़।